हाय फ्रेंड्स, प्रिया किचन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं बनाने जा रही हूँ आज टेस्टी और बहुत ही फेमस पत्ता गोभी के पराठे, यानी कि कैबिज पराठे। तो ये देखिए, यहाँ मैंने ले लिया था आधी कैबिज, क्योंकि ना आधी की मैंने सब्ज़ी बना ली थी, सोचा आधी के आज मैं पराठे बना दूँ। और फिर याद आया कि आप लोगों के साथ मैंने पराठे की रेसिपी शेयर नहीं की है, तो मैं सोची इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। तो ये देखिए, मैंने इसे छोटे छोटे टुकड़ों में हल्का सा काट लिया, पानी से अच्छे से मैंने इसमें धो लिया है। धोना बहुत ज़रूरी है ना सब्जियों को, क्योंकि ना एक दो तीन दिन के हो गए थे और रखे रखे ना इसमें धूल डस्ट भी तो हो ही जाते हैं। कोई सी भी सब्ज़ी बनाओ तो धुलना तो बहुत ज़रूरी होता है। तो बस यहाँ मैंने सब्जी को अच्छे से दो तीन पानी में धुल लिया है। और इस तरीके से मैंने ले लिया है एक चॉपर, आप चाहें तो इसे कद्दूकस भी कर सकते हैं, पर मैं आज इसे चॉपर में ही इसे कर रही हूँ। तो बस यहाँ पास मैं डाल दूँगी चॉपर में ये थोड़े थोड़े से, और मेहनत तो हर चीज़ में करनी पड़ती है। ये नहीं कह दूँगी कि बहुत सिंपल रेसिपी है, रेसिपी ज़रूर सिंपल है, लेकिन जब इसके ना बनाने की हमें स्टार्ट करना होता है ना, तो बहुत तामझाम करना पड़ता है, सच कह रही हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए, रेसिपी पसंद आए, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है। तो बस यहाँ पास मेरा चॉपर घूम नहीं रहा था, क्योंकि ये ना थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था, इस वजह से देखिए मैं इसको खींच रही थी, बट कोई नहीं, दोबारा से मैंने ये किया तो ये देखिए चॉपर अच्छे से चलने लगा था। तो बस इसी तरीके से ना मैं ये इसे ना अच्छे तरीके से चॉप कर लूँगी। इससे ना चॉप कर लो ना, तो ये रहता है कि ना अच्छे से जो स्टफिंग हम जब बनाते हैं ना, तो अच्छे से उसमें आटा में हो जाता है, कि छोटे छोटे रहते हैं ना, ज़्यादा बड़े नहीं रहते, इस वजह से। तो ये देखिए अच्छे से ये छोटे छोटे हो गए थे। मैंने ना फ्रेंड आप लोगों के साथ ना मूली के पराठे की भी रेसिपी शेयर की है, आलू के पराठे की भी रेसिपी शेयर की है। वैसे मैंने पराठे की बहुत कुछ रेसिपी शेयर कर दी, जैसे पालक के, मेथी के, लाल भाजी के। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उसे भी जाकर वॉच कीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक जरूर डाल दूँगी। तो देखिए यहाँ पर मैंने अच्छे सबको छोटे छोटे तो कर ही लिया चॉपर में, तो बस यहाँ मैंने चढ़ा दी है कढ़ाई। कढ़ाई में डाल रही हूँ मैं तेल, तेल आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं जो आप खाना पसंद करते हैं। तो बस तेल गरम हो गया, तो मैं इसमें डाल रही हूँ एकदम बारीक कटा हुआ, वही उसी चॉपर में मैंने कर लिया था प्याज। बाकी मैं और मसाले इसमें मैं अपने हिसाब से डाल रही हूँ, आप अपने हिसाब से डाल लीजिए, जितना आपको स्पाइसी मसाले डालना खाना पसंद है। लेकिन पराठों में ना बहुत ज़्यादा मसाले नहीं अच्छे लगते हैं, तो बस मैंने इसमें प्याज, थोड़ा सा अजवाइन, थोड़ा सा जीरा ये डाला है। और अच्छे से हम ये प्याज को, अजवाइन को, जीरा को ना भून लेंगे। हमको प्याज का कलर नहीं चेंज करना है, क्योंकि जब हम ये पराठे सेकेंगे तब भी तो प्याज में ऑयल सिकता ही है, तेल पड़ता ही है। तो बस यहाँ पर थोड़ा सा प्याज को सॉफ्ट होने देंगे, उसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी अपनी पत्ता गोभी। तो ये देखिए प्याज बस सॉफ्ट हुआ था, और यहाँ पर हम डाल देंगे अपनी पत्ता गोभी, और इसे भी अच्छे से हाई फ्लेम में मैं पका रही हूँ। फ्रेंड ये नहीं कहूँगी कि आप इसे मीडियम और लो फ्लेम में, बिल्कुल नहीं, हाई फ्लेम में ही हम इसे पकाएंगे, जिसमें ये ना क्रंचपन भी रहे और ये हमारा जो पत्ता गोभी है ना, तो थोड़ा सा सॉफ्ट भी हो जाए। तो बस यहाँ पर हमने डाल दिया थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा ही हल्दी पाउडर डाल देंगे, और थोड़ा सा ही यहाँ बस डाल देंगे लाल मिर्ची पाउडर। तीखा तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, जितना आपको खाना पसंद हो। तो बस यहाँ के पास देखिए मैंने थोड़ा सा ही लाल मिर्ची पाउडर डाला है, और इसे अच्छे से हम मिक्स कर देंगे, और फिर 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम में ही इसे हम पका लेंगे, जिससे सारे मसाले भी अच्छे से हो जाएंगे और जो ये पत्ता गोभी है ना, ये भी थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा। तो ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पास लास्ट में मैंने इसमें डाल दिया है थोड़ा सा सब्जी मसाला। आप कोई सा भी मसाला डाल सकते हैं, गर्म मसाला, सब्जी मसाला, सांभर मसाला, जो भी मसाला हो। तो ये रहा हमारे पत्ता गोभी की स्टफिंग, मतलब स्टफिंग तैयार हो गई है। उसके बाद मैं लगाने लगी थी आटा, तो आटा तो हमें नॉर्मल लगाना है, बस मैं इसमें थोड़ा सा अजवाइन डाल रही हूँ, क्योंकि पराठों में ना अजवाइन का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा सा ही इसमें ज़रा सा नमक मैंने डाला है, और मोइन के लिए हम डाल देंगे इसमें तेल, और जैसे नॉर्मल हम रोटियों के लिए आटा लगाते हैं ना, वैसे ही हम इसका आटा लगा कर रेडी कर लेंगे। तो बस हम मोइन और नमक और अजवाइन को अच्छे से हम इसमें मिक्स कर रहे हैं, और फिर इसका ना एक हम सॉफ्ट डो लगा कर तैयार करेंगे। बहुत दिन से सोच रही थी आप लोगों के साथ इसकी रेसिपी शेयर करूं, लेकिन नहीं कर पा रही थी, आज मौका मिला तो सोचा आप लोगों के साथ इसकी रेसिपी भी शेयर कर दूं। तो ये देखिए अच्छा सॉफ्ट आटा लगकर रेडी हो गया है। तो चलिए हम बनाते हैं अपने पराठे। तो बस यहाँ पास हम अपने हिसाब से इसकी लोइयाँ तोड़ेंगे, जितना आपको साइज़ रखना है उस हिसाब से। तो ये देखिए मैंने एक नींबू के साइज़ का इसकी मैंने लोई ले ली है, और सॉफ्ट आटा है ना, क्योंकि 5 मिनट के लिए मैंने रेस्ट करने के लिए भी रख दिया था, तो अच्छे से सॉफ्ट हो गया है।
तो बस इस तरीके से एक पेड़े लेंगे, इस तरीके से हाथों से हम घुमाते हुए जाएंगे और बीच में एक होल करेंगे, जैसे हम आलू के पराठे वगैरह के लिए करते हैं ना, तो ये देखिए इस तरीके से होल करेंगे और अपनी जो हमने स्टफिंग बनाई थी इसमें हम अच्छे तरीके से डाल देंगे। और ये देखिए मैं कितनी सारी स्टफिंग डाल रही हूँ, ये नहीं कर रही हूँ कि पराठे फट जाएंगे तो मैं स्टफिंग ना डालूँ, बहुत ज़्यादा मैं स्टफिंग डाल रही हूँ। और बस इस तरीके से हम दबाते हुए चारों तरफ से ना मोड़ते जाएंगे और स्टफिंग को भी ना अच्छे से, वैसे ना अच्छे से मैंने इसमें किया था, स्टफिंग डाला था, और इस तरीके से घुमाते हुए हम इसे फोल्ड कर देंगे। और ये रहा, हमने पैक कर दिया और ऊपर से ऐसे दबा देंगे और बस इसे हल्के हाथों से बेलेंगे। ये नहीं कि हम बिल्कुल टाइट हाथ से बेल दें, नहीं, हल्के हाथों से हम बेलते जाएंगे। तो ये देखिए इसे मैं बिल्कुल हल्के हाथों से बेल रही हूँ। मैंने तवा गरम करने के लिए रख दिया है, क्योंकि तवा पहले से गरम रहेगा तब तो हम पराठे उसमें डालेंगे ना जल्दी जल्दी। तो बस यहाँ पर मैं कर रही हूँ तवा गरम। और इसके खाने के लिए मैंने बनाई है टमाटर की चटनी, लेकिन मैंने आपके साथ उसकी रेसिपी शेयर नहीं की है। सिंपल सी है टमाटर की चटनी, मैंने उससे छौंक लगाया था बस। और ये देखिए एक साइड से सिक गया है, दूसरे साइड पलट के हम इसमें लगा देंगे तेल, आप चाहे तो घी भी लगा सकते हैं। और इस तरीके से हम दोनों तरफ से अच्छे क्रंची होने तक हम सेक लेंगे। तो ये रही मेरे तरफ से आप लोगों को पत्ता गोभी की पराठे की रेसिपी। अगर आप लोग पहले से भी बनाकर खा चुके हैं तो प्लीज़ मेरे साथ रेसिपी शेयर कीजिएगा कि कैसे आप बनाते हैं, मेरे जैसे है, मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल में नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए मैं तो जाती हूँ गर्मा गर्म पराठे देने अपने हस्बैंड को, और आप लोग भी आ जाइए खा लीजिए अगर आप लोगों को पसंद आया है। तो चलिए जल्द ही हम आप लोगों के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।